हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो पाइथन की है और पाइथन में हम लोग मैक्स फंक्शन के बारे में जानेंगे। मैक्स फंक्शन जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, आपने एक्सेल में भी यूज किया होगा मैक्स। तो मैक्स क्या करता है, मैक्सिमम वैल्यू आपको निकाल करके दे देता है। जैसे सपोज कीजिए यहाँ a इज इक्वल टू और फिर मैं यहाँ पर रख लेता हूँ 1, 2, 3, ठीक है 5 ले लेता हूँ, फिर यहाँ पे 89 ले लेता हूँ, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये वैल्यूज हमने ली हैं, सबसे ज्यादा इसमें से कौन सा है 899, ठीक है ये तो आपको दिख ही रहा है। अब यहाँ पर तो सीक्वेंस में लिया हमने, एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ b इज इक्वल टू मैक्स। ठीक है, ये मैक्स फंक्शन हमने यूज किया और यहाँ पर एक यहाँ पे दे दिया हमने, ठीक है, और फिर एंटर किया, मतलब इसमें जो मैक्सिमम है उसको हमें प्रिंट करवाना है। ठीक है, किसको प्रिंट करवाना है, जो मैक्सिमम है उसी को हम प्रिंट करवाएंगे। यहाँ पर हमें सिंपली बी को प्रिंट करवा देना है। ठीक है, तो जैसे ही प्रिंट करवाने जाएंगे तो अभी हम सेव नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली वही रन कराते समय ही सेव करते हैं इसको। तो यहाँ पर इसको मैं मैक्स नाम से ही सेव करने वाला हूँ, तो यहाँ पर लिख दिया मैक्स और डॉट पी वाई लगा देते हैं, पाइथन के फाइल की एक्सटेंशन होती है। तो एंटर प्रेस कीजिएगा तो अब देखिएगा कि मैक्सिमम वैल्यू ये रिटर्न करके दे रहा है हमको। चलिए इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं, ठीक है, इसका सीक्वेंस इधर उधर कर देते हैं या फिर यहाँ पर कर देता हूँ 2, ठीक है 2 को रिपीट किया, फिर यहाँ पे कर देता हूँ 900। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे चेंजिंग मैंने कर दी कुछ, अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पर इसको मैं रन करवाता हूँ, ठीक है ये रन करवाया हमने और रन करवाएंगे तो यहाँ पर 900 हमारा आउटपुट आएगा। देखिए 900 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 900 सबसे लास्ट में लिखा हुआ है। अब आगे अगर आप कुछ और भी बढ़ा देते हैं, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे 9 लिख दीजिए, कॉमा दीजिए, यहाँ पे 7 लिख दीजिए, यहाँ पे फिर यहाँ पे 65 लिख दीजिए, फिर यहाँ 8 लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैक्सिमम ही रिटर्न करेगा आपको। तो यहाँ पर अगर मैं इसको रन करवाता हूँ तो अभी भी ये 900 ही हमें रिटर्न करके देगा। ठीक है, क्या होगा कि हम 900 को रिपीट करें, तो यहाँ पर रिपीट करवाता हूँ, ये देखिए ये कुछ इस तरीके से 900 को रिपीट करता हूँ। तो 900 को रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है, फिर भी 900 ही हमें आउटपुट में देने वाला है। तो ये कुछ इस तरीके से यूज होगा, आई होप कि ये बात समझ में आई होगी कि ये कैसे यूज हो रहा है। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग।